नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जिसका कोड है IPL। दोस्तों अगर ये कंपनी का स्टॉक आपके पास पड़ा है जिसका रिसेंटली IPO आया था, अगर आपको लगा है तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद अच्छा गेन देने के बाद अब स्टॉक दोस्तों IPO प्राइस के आसपास आ चुका है, तो क्या आपको नया बाइंग करना चाहिए या ये कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों पूरा डिटेल एनालिसिस दोस्तों कंपनी का करने वाला हूँ। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है और दोस्तों टेक्निकल लेवल क्या है उसके ऊपर भी दोस्तों बात करेंगे और कौन से लेवल के बाद स्टॉक में अच्छा मूवमेंट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों नाम के हिसाब से इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड जो एग्रोकेमिकल बिजनेस करने वाली कंपनी है दोस्तों, कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बिजनेस करे, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और बहुत सारी जगह पे बिजनेस करी, और उसके जो टेक्निकल प्रोडक्ट है उसका 57% रेवेन्यू दोस्तों इसी में से आता है दोस्तों, बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, तो काफ़ी तगड़ा प्लेयर है दोस्तों। R&D डिपार्टमेंट की बात कर दी जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग देम टू एश्योर द ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों। और अगर इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर दोस्तों बात की जाए तो फंगीसाइड्स है इसमें, टेक्निकल्स है सिमोनेल टेक्निकल है, कैप्टन टेक्निकल है और हर्बिसाइड्स है, और वो सारे टेक्निकल्स का दोस्तों काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट में रोल है और बहुत ही अच्छी मोनोपोली बिजनेस के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों। इवन एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन का भी उनका बिजनेस है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स है दोस्तों, वहाँ पे भी काम करी है। और दोस्तों API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियंट्स, एंटीस्केबाइड ड्रग्स है, एंटीफंगल ड्रग्स है, उन सब के ऊपर कंपनी काम कर रही है दोस्तों। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालते हैं, जो डेटा है दोस्तों उसके ऊपर कि दोस्तों टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में ये कंपनी का नाम आ रहा है, और दोस्तों सेवरल टेक्निकल्स है, ऐसा नहीं है कि एक दो टेक्निकल है, बहुत सारे टेक्निकल्स है दोस्तों। और इसका BSE का कोड है 543311, मार्केट कैप है 3591 करोड़, करंट प्राइस है दोस्तों 312 का दोस्तों, और हाई बना है 364 का, लो बना है 301 का। स्टॉक के पी की अगर बात की जाए तो 26.7 है, बुक वैल्यू जो है 33.8 है, तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी महंगा है दोस्तों स्टॉक। ROCE के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बेहतरीन ROCE 52.0 है और ROE है दोस्तों 41.6 और फेस वैल्यू है दोस्तों ₹1 का फेस वैल्यू है शेयर का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 53.4 है, यानी कि बेहतरीन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 41.6 है दोस्तों। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है दोस्तों। इंडस्ट्री का पी है 27.1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रीसीडिंग दोस्तों कितना भी अच्छा स्टॉक हो बट वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों वैल्यूएशन का मैंने जिक्र इसलिए कराऊँ कि दोस्तों जो कार ट्रेड का IPO आया था जहाँ पे कंपनी अच्छी है बट दोस्तों वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से लगातार गिरावट हो रही है, तो इंडियन पेस्टिसाइड में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसको चकासने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इंडियन पेस्टिसाइड दोस्तों लिस्ट में सबसे लास्ट नाम है जहाँ पे दोस्तों पी जो वैल्यू है वो 26.71 है और जहाँ पे उसका मार्केट कैप है वो 3590 करोड़ का है दोस्तों, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट कैप कराने वाली कंपनी का दोस्तों धनुका एग्रीटेक, उनका 18.63 का दोस्तों माइक पी है दोस्तों। भरत रसायन जिसका पी 32.1 है, रिलीज इंडिया का 26.03 है, सुमितो केमिकल 54.45 है, पी आई इंडस्ट्री दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसका पी दोस्तों 60.41 है, और दोस्तों UPI लीडर है दोस्तों उसका 70.34 है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी इतनी महंगी नहीं है दोस्तों कि अफोर्ड ना कर पाए। अब कंपनी थोड़ी सी महंगी है बट अगर आप फाइनेंशियल डेटा देखेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे दोस्तों, तो सेल्स जो है 2017 में जो था वो सेल्स 223 करोड़ था, जो 2018 में 248 हुआ, बट 2019 में 341 करोड़ हो गया और मार्च 2020 में 480 करोड़ हो चुका है दोस्तों। और मार्च 2021 में जो लास्ट ईयर थोड़ा स्लैस हुआ था उसकी वजह से दोस्तों 649 करोड़ का दोस्तों सेल हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखा जाए तो 183% है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कंटिन्यूअस जो है वो 20% से अबव चल रहा है, जो काफ़ी अच्छा होता है एग्रीकेमिकल बिजनेस के लिए। कंपनी का दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया है, और दोस्तों EPS भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और डिविडेंड पे आउट देखें तो 3% का डिविडेंड पे आउट भी है दोस्तों, तो डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है और काफ़ी अच्छा दोस्तों तगड़ा बैलेंस शीट कंपनी दिखा रही है अपना।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों, 68.1% का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है, जहां पे आनंद अग्रवाल जी है, एएसए फैमिली ट्रस्ट है, एमएसए फैमिली ट्रस्ट है, उन सब का दोस्तों काफी अच्छा होल्डिंग है। और पब्लिक होल्डिंग भी जहां पे 31.83% है, उसमें इंडियन पेस्टिसाइड का जो ओएफएस अकाउंट है उसका ही 21.16% है, और आशा अग्रवाल जी जो है, नुपुर गोयल है, इनका दोस्तों अगर मिला के देखा जाए तो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8% है, तो 28-29% तो इनका है दोस्तों। तो पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है दोस्तों, और देखा गया है हिस्ट्री में कि जब पब्लिक के पास कम शेयर होल्डिंग हो और बाकी लोगों के पास ज़्यादा होल्डिंग होती है तो स्टॉक में गति अच्छी चलती है, और दोस्तों स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों। फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया कंपनी है, तो दोस्तों इसको लॉन्ग टर्म में दोस्तों, ये इंडियन पेस्टिसाइड का वीकली चार्ट है दोस्तों। रिसेंट आईपीओ जो भी लिस्ट हुए है वो सारे दोस्तों स्टॉक में नरमाई अभी आ रही है। ये भी स्टॉक दोस्तों ऐसे नेक और लेग ब्रेक लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो लेवल टूटेगा दोस्तों तो फिर और गिरावट आ सकती है दोस्तों। लेवल क्या है उसके ऊपर दोस्तों नज़र डालते हैं। यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग लो लिया हुआ है मैंने दोस्तों, और लेवल ये है 30300 का लेवल है दोस्तों, जो दो बार उसने टच करने की कोशिश की थी 27 अगस्त के वीक को और 13 अगस्त के वीक को, जहाँ उसमें डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा समझते हैं कि वहाँ से दोस्तों जबरदस्त बाइंग आई थी, यहाँ पे भी दोस्तों दूसरे दिन जबरदस्त बाइंग हमें मिली थी दोस्तों। तो एक चांसेस है दोस्तों 300 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक टूटता आता है तो एक और बार बाइंग आ सकती है। अगर दोस्तों ये लेवल को तोड़ जाएगा तो हमने जो कार ट्रेड का हाल देखा है वो बिल्कुल हाल होगा दोस्तों। न्यू का विस्टा का में मैंने बोला था कि जो लेवल 573 का है वो टूटेगा तब भी दोस्तों उसके ऊपर तेजी आएगी, तब तक कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी सेम है, ये लेवल के आसपास आता है तो बाई करो, और ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए दोस्तों। 295 का स्टॉप लॉस लिखिए और ऊपर के टारगेट हमें दे सकता है दोस्तों ये स्टॉक। बट एक बार ये 300 का लेवल तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर तो दोस्तों यहाँ से निकल जाना ही अच्छा ही है, क्योंकि दोस्तों वो आईपीओ का प्राइस है, और जब भी स्टॉक आईपीओ का प्राइस तोड़ता है दोस्तों फिर उसका क्या बुरा हाल होता है वो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में देख चुका है दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है इंडियन पेस्टिसाइड, फंडामेंटल काफ़ी साउंड है दोस्तों, और सेक्टर भी काफ़ी हॉट है दोस्तों एग्रीकल्चर का। तो आने वाले टाइम में दोस्तों गवर्नमेंट का भी फोकस बहुत है, बट दोस्तों टेक्निकली जो बोला जाए जो लेवल है वो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ भी कभी आ सकता है, और अभी भी है दोस्तों पैनिक सिचुएशन, मार्केट हाई वैल्यू से इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें ट्रेड या निवेश की सलाह देते हैं 19.5% में ट्रेड या निवेश कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।